हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना भाई ऐसे ऐसे जेसीबी के बारे में बताने वाला हूँ कि जो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है। कि अरे भाई, अलग अलग जेसीबी है जो इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आप अगर आप जानना चाहते हो ना भाई कि इंडिया में कौन सी ऐसी जेसीबी है जो इंडिया में नहीं देखने को मिलने वाली है, ऐसी ऐसी जेसीबी है ना भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया जेसीबी, जिसके सामने जेसीबी 3D भी फेल है, जो ऐसे बाहर देश में ही है, जो यूके में है, अमेरिका में है, जेसीबी अवेलेबल है, इंडिया में क्यों नहीं आया भाई आप लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन अभी बाहर देश में ही है जेसीबी, अभी इंडिया में कब आता है क्या मालूम नहीं। आपको इस वीडियो में ना 10 ऐसी जेसीबी के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आप है ना भाई इस वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बगल वाला घंटे उसे भी ऑन करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे जेसीबी आती है भाई, फाई जेसीबी, जो फाई नाम है इसका। और 9वें नंबर पर आती है हैड्रामा नाम का जेसीबी है। ये भी जेसीबी आउट ऑफ कंट्री में ही है, आपको ये जेसीबी इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। और फिर 8वें नंबर पर जो जेसीबी आती है फेरमिक, क्या नाम है भाई, फेरमिक जेसीबी है इसका भी। ये भी जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, ये फेरमिक जेसीबी आउट ऑफ कंट्री का, ये भी आपको आउट ऑफ कंट्री में ही देखने को मिलेगा, यूके की जेसीबी है। और 7वें नंबर पर है करामेर, क्या क्या नाम है भाई, मेरे को अजीब बोल रहा है, करामेर जेसीबी है ये है, ये भी भारत देश में ही है, आउट ऑफ कंट्री में यूके में है। ये भी जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है। और 6 नंबर पे जेसीबी आती है वो है फोर्ड जेसीबी, ये भी जेसीबी बाहर देश में है, अभी जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है। फोर्ड कंपनी का जेसीबी है ये जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। और फिर 5वें नंबर पे जेसीबी आती है फेरगुसन जेसीबी है, ये भी क्या क्या नाम है भाई, जो इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है। ये भी जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है, फेरगुसन जेसीबी है। और 14 नंबर पे जेसीबी आते हैं कुबोटा, क्या नाम है भाई, कुबोटा जेसीबी है, ये भी जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है। क्या क्या नाम है भाई जो आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, जो अभी भारत देश में, ये भी जेसीबी आउट ऑफ कंट्री में है, आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है, कुबोटा। और 3रे नंबर पे है टेरामिट, क्या क्या नाम है भाई टेरामिट, ये भी टेरामिट जेसीबी है, जो ये भी यूके में है, जो भी अमेरिका वो साइड में देखने को मिलता है, ये जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता। और 2रे नंबर पे जो जेसीबी आते हैं विनेरी जेसीबी, ये भी जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता भाई, क्या क्या नाम है भाई, विनेरी जेसीबी, ये भी जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, ये भी आपको आउट ऑफ कंट्री में देखने मिलता है। नंबर 1 पे जो जेसीबी आती है जो है एमएसटी जेसीबी, ये भी जेसीबी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता, ये सब आउट ऑफ कंट्री में देखने को मिलता है। क्या क्या जेसीबी है, क्या क्या नाम है भाई, जो आपको इंडिया में देखने को मिलता नहीं देखने को मिलता है, क्या मालूम अगर ये सब कंपनियां इंडिया में आ जाए तो क्या अच्छा हो जाता है। लेकिन ये सब धीरे धीरे आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है, आगे जाके धीरे धीरे ये कंपनी इंडिया में भी आ जाएगी। सब भाई ऐसे ऐसे ऐसी जेसीबी है ना भाई, ये सब इनमें से कुछ ऐसी जेसीबी है जो जेसीबी 3D को ही फेल कर देता है, इतना पावरफुल जेसीबी है, सब ये पुराने जेसीबी है, बहुत सालों से ये कंपनी है जो आउट ऑफ कंट्री में ही चाहे, जो आपको अभी इंडिया में अभी इतना देखने को नहीं मिलता जितना कंपनी जो आउट ऑफ कंट्री में ही चाहे, ये अभी इंडिया में इतना नहीं है, अभी आने वाले समय में भी ये धीरे धीरे ये कंपनी इंडिया में आने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल ये आउट ऑफ कंट्री में ही चाहे। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना भाई, अभी इंडिया में जेसीबी देखने नहीं देखने वाले जेसीबी आपको अगर मालूम पड़ गया ना भाई। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बगल वाला घंटी है उसे भी ऑन करना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।